नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा, और इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत खास ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोग, जैसे कि आपको पता है कि लेखपाल 2020 जो लगभग 5200 वैकेंसी इस लॉकडाउन पीरियड में खुलते ही ओपन होने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट ने नोटिस भी जारी किया है। ठीक है, उसकी तैयारी करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आने हैं। हमने पूरी पीडीएफ सिलेबस वगैरह की पूरी आप तक पहुंचा दी है, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आने हैं। अब ये मैथ्स सेलेक्टिंग फैक्टर बन जाता है कहीं ना कहीं, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है। बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, जीएस अच्छी होगी, बट कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़ी सी पकड़ कम होगी। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि मैथ्स का सबसे पहले तैयारी को शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, और एक कंसाइज वे में स्मार्ट स्टडी के साथ हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसके साथ हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिसाइड द मार्क या बिसाइड द सर्कल ना जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें कंप्लीट सिलेबस जो नोटिफिकेशन में पिछली बार मेंशन किया था, इस बार का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन में जो पिछली बार मेंशन था, पूरा सिलेबस मैं आपको बता सकता हूं। यहां पे स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन की होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अंकुर शर्मा हेयर, आई एम सेलेक्टेड इन FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2016, एंड इससे पहले हमने FCI की तैयारी कराई, मोर देन 2000 सेलेक्शंस यहां से हुए। तो ये सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल, जैसा कि नाम से पता है सिलेक्शन मेंटर, तो बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन दिला चुका है। इस बार हमने शुरू से एंड तक लेखपाल को सिलेक्शन दिलाने की ठान ली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले एक व्हाट्सएप नंबर लिखा है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स या जो भी हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप तक मिल सके। इसमें लेखपाल लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। चलिए, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि सुबह 6 बजे जबरदस्त जीएस की क्लास चलती है बाय विरद दुबे सर। ही इज हैविंग मोर देन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन महिंद्रास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे हिंदी और जीएस 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन वहां पे दिया है। अभी इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं, यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है। सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास बाय विरद दुबे सर, एंड सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी बाय मी अंकुर शर्मा, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। एक बार सिलेबस के ऊपर हम नजर डाल दें तो देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मैथ्स के सिलेबस को। सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक एक चीज हो गई, दूसरी एल्जेब्रा हो गया, तीसरा ज्योमेट्री हो गई। तीन ही चीज पढ़नी है, उसके बाहर अगर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया, सिलेबस को एनालाइज किया, तो हमें यही समझ में आया कि इतना ही सिलेबस है और यही सिलेबस पे हमें फोकस करना है, राइट। तो देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले अगर हम अरिथमेटिक की बात करें, देखिए डिटेल में देखते हैं एक एक चीज को। अरिथमेटिक और स्टैटिक्स के अंदर 2 पार्ट हैं। जो स्टैटिक वाला पार्ट है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, पर अरिथमेटिक में यहां से 5 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अरिथमेटिक को हम डीप रूटेड तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि यहां पे नंबर सिस्टम हो गया सबसे पहले, परसेंटेज हो गया, बेसिक टॉपिक है, यानी बेसिक 4-5 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद प्रॉफिट लॉस रेशियो, और एक टॉपिक और था यहाँ पे एवरेज, जिसको जो मेंशन नहीं है सिलेबस में बट वो क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज यानी कि औसत। देखिए हिंदी वाले परेशान ना हो, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए जाएंगे, तैयारी हम पूरी तरीके से आपके तक पहुँचाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाले जो ये क्वेश्चंस हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आया हिस्टोग्राम का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो है पैरेलल मीन मीडियन मोड, मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से बनेंगे आपके, और जो कि प्रीवियस ईयर में आए भी हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक के अंदर मैं अगर बात करूँ तो लगभग 5 टॉपिक आपके होंगे, जैसे बेसिक नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो और एवरेज, और एक और टॉपिक है जो आया था टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रा की तरफ बढ़ते हैं। एल्जेब्रा में बेसिकली
देखिए एलजेब्रा के अंदर जैसा सिलेबस ये जो लिखा हुआ है मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है आपके नोटिफिकेशन से, ठीक है। अब उन्होंने एलजेब्रा के अंदर ये सब चीज़ें डाल रखी हैं, एलसीएम एससीएफ, ठीक है। तो जैसा डाल रखा है वैसा मैंने आप तक पहुंचाया है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एलसीएम एचसीएफ बहुत डीप रूटेड तरीके से पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा शुरू से एंड तक, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के दो तीन क्वेश्चन अपने आप में बने हैं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो नंबरों की मल्टीप्लाई, यानी कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो दो नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट बहुत अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है बेसिकली, और यहाँ पे रिलेशन के ऊपर काम करना है। अगर हमने बाई डेफिनेशन इन चीज़ों को समझ लिया तो हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते, कभी भी मात नहीं खा सकते इन चीज़ों में, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है हमें, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, है ना। हिंदी में भी मैं बताऊंगा पूरी चीज़ें, अभी मैं सिलेबस एज इट इज इंग्लिश में बता रहा हूँ। और सर्कल, ये चार पांच जो टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब इतनी तो हुई सिलेबस की बात, बट इन सिलेबस को देखते हुए एक बार क्वेश्चन पेपर पर नज़र डाल लें कि 25 क्वेश्चन क्या यहीं से आए जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग नज़र डाल देते हैं, जिससे आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा और समझ में आएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक। उसके बाद आपने देखा फिट ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखा टाइम एंड डिस्टेंस वाला नॉर्मल सिंपल सा अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो मेरे यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में मेंशन नहीं था लेकिन आपके सामने ये औसत वाला क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये सब मैं पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंस आता है पेपर देख के कि भाई इतना इतना मुझे पढ़ना है, उसके बाहर मुझे पढ़ना ही नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर हमें यहाँ पे ये टारगेट अचीव करना है तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पेपर को दिखा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन थे। अब जो कल से वीडियो आएगी उसमें ये जो 25 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लो आप 9121815869, या आप ऑलरेडी अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी। सबसे पहला काम है मैथ्स के लिए आप इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो थॉरली। अगर 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर उनमें से 20 कर पा रहे हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप 15 कर पा रहे हो, 10 कर पा रहे हो, जो कर रहे हो आप करो। मैं क्या करूंगा, आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं आगे कौन सा है, सिंपल सिंपल एक सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि निम्न में से बार बार जो आता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए एक मतलब थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन उससे आ गया, स्टैटिस्टिक्स से सीधा सा आंसर है भैया, एक सेकंड में लग जाएगा भैया, बहुलक बोलते हैं, है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए एलसीएम एचसीएफ का यहाँ पे एक सीधा सा क्वेश्चन रिलेशन वाला आया, मैंने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया सामने, ठीक है। यहाँ पे औसत का एक और क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में औसत नहीं लिखा था पर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए एलसीएम एचसीएफ का एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे हिस्सेदारी वाला क्वेश्चन दिख रहा है, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो वाला टॉपिक आपको पता है। यहाँ पे सम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आ गया, पैरेललोग्राम वाला, ठीक। और भी चीज़ देखते हैं, एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं हम यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनके अलावा भी और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे पर पहले इन पे बेसिकली इन्हीं टॉपिक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से एलजेब्रा जो वहाँ पे लिखा था वो एलजेब्रा का क्वेश्चन भी आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन एलजेब्रा का आया था वो आपके सामने है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, उसी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे उन्हीं टॉपिक पे, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए सिंपल नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आ गया, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो हम इसका मतलब है कि जो सिंपल अरिथमेटिक है उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पर जो सिलेबस में मेंशन है उस पर पहले डीप रूटेड तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। अब पढ़ाने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये 25 क्वेश्चंस हम एक वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा उसको डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, ट्रिकी वे में समझने की हम क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक एक टॉपिक को चैप्टर को पढ़ेंगे और उनके अंदर भी बेसिकली हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकल वे में जा रहे हैं, हम क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। समझ में आ रही है बात, आगे देखते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं,
ये देख लीजिए मीन मीडियन मोड का ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने बताया कि दो से तीन क्वेश्चन मीन मीडियन मोड के आने, तो यही दो तीन क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, एक बार टॉपिक पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा आराम से, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, फिर हम सेट पेपर उठाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, तो सब कुछ फ्री में ही मिलने वाला है। धीरे धीरे लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन बने रहिए सिलेक्शन मेंटर के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने 10 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और बताएं कि लेखपाल की तैयारी करनी है तो सिर्फ सिलेक्शन मेंटर पर करनी है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी कोई जानकारी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें पता लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और भी नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीधा हमारी जो ट्रैक पे हम चढ़ जाएंगे और हम क्वेश्चंस को टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।